Ashram, would you like to list this learning objective? Lesson objectives. By the end of the lesson, you people will be able to list types of rooms in a house, differentiate types of property, justify reasons to buy a house. Okay. So we have got three learning objectives here, and we are going to cover these learning objectives. First of all, you have to list types of room in a house. Okay. Do you understand what are types of room, Munim? Yeah. What are those? What rooms are they like in the house? Example, like one room is colorful and one not. Yes, Sophia. Do you mean like kitchen and then bedroom? Kitchen, bedroom, living room, all these ones. Okay. And differentiate types of property. You know, as if you know that there are different types of houses. Okay. Yeah. Like some houses are of detached and some are bungalows. There are bungalows. Okay. Very good. So we cover these types of property as well. And justify reason to buy a house. Why do you want to buy a particular house? What kind of particular feature you are looking for in that house? Okay. We'll start with the types of room. Okay. ये क्या है? Better. Better. Adam? Better. Better का कोई और भी word हो सकता है? Best or better? बैठने का कमरा. बैठने का कमरा. शाबाश. बैठने का कमरा. So here, ये जरा letters को पढ़ेंगे. ये क्या लिखा है यहाँ पे? लेटर्स कौन कौन से हैं? शाबाश. बे ये टे हे काफ बेटर. ओके. नेक्स्ट वन फाइजा. क्या है ये? डाइनिंग रूम. वेट. यस फाइजा. खाने का कमरा. शाबाश. खाने के कमरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं फाइजा? खाने के कमरे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डाइनिंग. शाबाश. Okay, Muneeb, can you read this one? It's a car. Good. Car. Head. This is noon. ये क्या है noon? Noon पढ़िए. अलिप noon. हाँ, खाने और ये का फलिप का. 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 Noon. Red. Head. ठीक, शाबाश. खाने का कमरा. ठीक है, तो खाने का कमरा हो गया dining room. Next one, Hashim. ये क्या है? Kitchen. किचन को उर्दू में क्या कहते हैं? बावर्ची खाना. शाबाश. बावर्ची खाने के अलावा क्या कोई और वर्ड आता है आपको? खाने का कमरा तो डाइनिंग रूम हो गया है ना? पकाने का कमरा. पकाने का कमरा इज नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन पकाने का कमरा हम कहते नहीं है, हम सिर्फ बावर्ची खाना कहते हैं. तो बावर्ची खाना कैसे होगा? तैमूर, क्या क्या इसमें लेटर्स है? नून है बावर्ची खाना. ठीक हो गया. अच्छा, ये क्या है मुनी? सीढ़ियाँ. सफिया ने कहा सीढ़ी, तैमूर आपने कहा सीढ़ियाँ. आशा, विच वन इज करेक्ट? सीढ़ियाँ. क्यों सीढ़ियाँ क्यों करेक्ट है? वेरी गुड. सीढ़ियाँ. शाबाश. सीढ़ियाँ में लेटर चेक करें. सीढ़ियाँ हो गया. ठीक हो गया. नून कुन्ना. नून कुन्ना. एग्जैक्टली. शाबाश. वेरी गुड. ये क्या है आदम? सोने का कमरा. और सोने के कमरे किस तरह से लिखा जाएगा आदम? शाबाश. ये हो गया सोने का कमरा. फायदा ये क्या हो सकता है? ऑफिस. ऑफिस तो ठीक है, लेकिन ऑफिस सम वर्ड. ऑफिस तो ये क्या कोई और वर्ड हो सकता है? हाँ, दस्तरखान. नहीं, दस्तरखान इज अ टोटली डिफरेंट वर्ड. इज इट दस्तरखान में यही था? दस्तरखान इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. मैं सबने ये जो है कह रहे हैं दस्तरखाना. दफ्तर इज ऑफिस. नो, दफ्तर इज ऑफिस. लेकिन ये क्या है? ये दफ्तर नहीं है. कौन सा? पढ़ने का कमरा. शाबाश. पढ़ने का कमरा. ठीक है. और ये क्या है? लॉफ्ट. तो हो गया. उर्दू में क्या कहेंगे? क्या ऊपर की जमीन. जमीन इज फ्लोर. हाँ, श्याम. You definitely have identified this one. ये लॉफ्ट है, एटिक है, जो भी कहेंगे.
ऊपर वाली चीज छत तो ऊपर का रूप का ऊपर का हिस्सा होता है ना ठीक है ओके ठीक हो गया तो ये छत में लेटर्स कौन से हैं ये क्या है ठीक है ये बागीचा ये बागीचा मैंने क्यों कहा है इसको बाग क्यों नहीं कहा तो स्मॉल गार्डन आप बागीचा कहेंगे कोई बड़ा लार्ज फील्ड यू कैन से इट इज गार्डन और बाग ठीक है अब क्या करना है आपने ठीक है जो मैं आपको कहूंगी फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर यू कैन सी टू लेटर्स आर हेयर ए एंड बी ओके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं ए क्या है वुड यू बी एबल टू राइट द वर्ड हियर ऑन योर मिनी व्हाइट बोर्ड इन उर्दू आप लिख सकते हैं ट्राई करके देखें ठीक है और मैं आपसे पूछ रही हूँ ए सी इफ यू कैन राइट द वर्ड इन उर्दू ए ठीक है और उसके बाद मुझे आप अपने मिनी व्हाइट बोर्ड दिखाइए कि आपने क्या लिखा है ओके मुनीब का भी थोड़ा सा एक कोई मुझे नजर आ रहा है जो थोड़ा सा करीब है ये भी दिस इज वेरी वेरी क्लोज वेरी वेरी क्लोज ये दो चश्मी है के बाद क्या बनाया है सफिया फायदा के देखें फायदा ने बहुत क्लोज बनाया है लेकिन एक लेटर का फर्क है तैमूर ने भी बनाया है लेकिन एक लेटर का फर्क है एग्जैक्टली दो चश्मी है का बैठक ठीक हो गया ठीक है सिर्फ एक दो हम कवर करेंगे उसके बाद देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी ओके नाउ दिस इज सेकंड वन वुड यू बी एबल टू राइट ए ए ए क्या है ए लिखें बागीचा गा पाता है बागीचा में फायदा किसी ने सही लिखा है किसी ने ठीक लिखा है मैंने देखा है somebody has done it right मुनीब आपने कैसे लिखा किसी ने सही लिखा है जो बागीचा ये गाव है कि गैन है गाँव का गैन है वो क्या कहते हैं गैन ये वाला गैन जी बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाला गैन